Assalam-u-Alaikum dear viewers, my name is Dr. Salim Akhtar and my YouTube channel Amazon Giant. In today's video, we have the PPC analysis of which keyword to pause, karna hai, negative, karna hai, negative phrase exactly mein dalna hai, aur especially ke Amazon Auto PPC ke andar, excuse me, kahan se jo close match hai, phir uske baad loose match hai, phir substitutes हैं, इनको कैसे वो अपने उसमें algorithm में लेके आता है कि आप जब देखते हैं ना कि ये close match में इतने spend हुए हैं और इतने की sale हुई है, loose match में इतनी और subtitles में इतना, I think substitutes भी हैं, तो उनको हम दो campaigns के मैंने data download किया हुआ है, उनके अंदर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है। अगर हम इस वीडियो के अंदर देखें, मैंने जो डाटा लिया हुआ है इसमें आप देखें कि यहां पे देखें, ये मेरे पास कुछ जो मैच्ड प्रोडक्ट्स आई हैं और प्रोडक्ट के टारगेट्स के साथ हैं, फिर एडेड एज उनको नेगेटिव भी मैंने किया हुआ है। क्यों नेगेटिव किया हुआ है? क्योंकि वो रिलेवेंट प्रोडक्ट के नहीं है। जैसे फूड कंटेनर्स नंबर 3 रो में अगर आप देखें, ये जैसे जहां पे अभी वर्किंग कर रहा हूं नंबर 20 में देखें, सेट ऑफ कंटेनर्स, ठीक है ना, फूड है, ये है लूज मैच में है, लेकिन ये किस में है? लूज मैच में है। तो ये लूज मैच कैसे आपको देखें, अगर टाइटल है फूड कंटेनर्स वीविंग पॉट्स फ्रीजर क्यूब्स फॉर स्टोरिंग स्टैकिंग मैश्ड फूड और साइज टर्म्स उसकी ये है, तो हमने देखना है कि ये कैसे वो कहां से कीवर्ड लेता है और उसको करता है। अब देखें ये जो फ्रीजर ऑर्गेनाइजेशन है, कंटेनर्स यहां पे हैं, फूड यहां पे है, उसके बाद सेट ऑफ कंटेनर्स फॉर फूड, आई थिंक है ये किचन स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने लूज मैच में है, 8OZ storage containers, ये भी loose match में है, तो OZ तो उसके title में है bullet points में, ठीक है ना, containers भी है हमारे पास, containers start में है food containers, ये देखें, तो 8.5OZ ये है, उसके बाद stacking storage, ये भी loose match में उसने किया है, क्यों? क्योंकि स्टैकिंग स्टोरेज टाइटल में स्टैकिंग और स्टोरेज का वर्ड आई थिंक है। अब देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपनी ऑटो पीपीसी को एनालाइज करके इसमें से नेगेटिव जो कीवर्ड्स हैं वो आप डाल सकते हैं, उसमें नेगेटिव में डाल सकते हैं कि किस कीवर्ड्स के ऊपर आप क्लोज मैच लूज मैच, अगर आप देखते हैं कि लूज मैच या क्लोज मैच या सब्स्टिट्यूट्स में मेरी स्पेंडिंग हाई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें उस ग्रुप को भी क्लोज कर सकते हैं। आप क्लोज मैच या लूज मैच या सब्स्टिट्यूट्स या जो भी मैच है जिसमें आप समझते हैं कि मेरी स्पेंडिंग हो रही है, उसको आप पास कर सकते हैं। तो इस ये वीडियो इतनी थी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।